नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर SBI क्लर्क का जो प्री का एग्जाम्स है वह जून में होगा कि नहीं होगा, राइट। तो एक इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप में से क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का यही है, राइट, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपका कोई अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशंस वीडियो हो, कोई प्रैक्टिस वीडियो हो, सभी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल SBI का नोटिफिकेशन देखिए, राइट। ये SBI का नोटिफिकेशन है जो 26th of अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था। 27th of अप्रैल से फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, जो कि आपके 17th of मई तक थे, बट इसको बाद में बढ़ा के 20 मई कर दिया गया था, राइट, 20 मई तक कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून, राइट, एंड मेंस एग्जामिनेशंस 31 जुलाई, 31st of जुलाई, यानी कि प्रिलिम्स के जो एग्जाम्स है वो जून में आपकी 2021, यानी कि जून मंथ, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है उनमें कभी भी होने हैं, राइट। ये ऐसा कह रहा है। देखिए, आप अगर माय डियर रेस्पिरेंट, जैसा कि अभी SSC CGL से, राइट, SSC की जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें एग्जैक्ट कहा गया था कि अभी ना तो कोई वैकेंसीज आएगी, ना ही कोई फॉर्म भरे जाएंगे, ना ही कोई एग्जाम्स होगा, CHSLs CGLs जो भी एग्जाम्स हैं सभी SSC ने पोस्टपोन्ड कर दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो इसी से ही रेज कर गए कि सर SBI क्लर्क भी होगा क्या, राइट। तो उसके बता दूं, आप SSC और बैंक दोनों को कंपेयर मत करिए, राइट, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है SSC और बैंक में, राइट, इस बात का ध्यान रखें। अब रही बात बैंक की, जैसा कि IBPS है, राइट, जो जो कंडक्ट करवाता है एग्जाम्स SBI है, राइट। तो SBI ने जब नोटिफिकेशंस निकाला था, माय डियर एस्पिरेंट्स, 26th of अप्रैल को नोटिफिकेशंस निकाला था, राइट, तो 26th of अप्रैल को निकाला था, तो वहां जो नोटिफिकेशंस तब आया था, वैकेंसीज तब रिलीज की गई थी, राइट, तो एक तरह से वहां पर जो कोरोना, राइट, मेन इश्यू क्या हो रहा है, कोरोना इश्यू हो रहा है, राइट। तो कोरोना, जहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे थे उस समय इस नोटिफिकेशंस को निकाला था। अप्रैल में लगभग 4 लाख के आसपास आपके केसेस देखने को मिले थे इंडिया में, राइट। अब धीरे 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 केसेस हैं वो करीबन करीबन इन बिटवीन 2 से 3 लाख के बीच में आपके देखने को मिलता है, मोस्टली आपके 250 लाख के केसेस मिल रहे हैं, राइट, एंड आपके डेथ हैं जो कि 4,000 अप्रोक्स आपकी डेथ मिल रही है, राइट, इतनी आपकी डेथ हो रही है कोरोना से, राइट। तो देखिए, मोस्ट ऑफ इश्यू आपके कोरोना के ही हैं, केसेस जिस हिसाब से कम हो रहे हैं, SBI ने जब नोटिफिकेशंस निकाला था उन्होंने भी यही सोचा था कि जून तक मोस्टली केसेस हैं वह कम हो जाएगी, धीरे धीरे स्टेट के लॉकडाउन हैं वह भी ओपन हो जाएंगे, राइट। तो आज की डेट में अगर बात करें तो अभी रिसेंट में जो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है अपने ऑल ओवर इंडिया का, लगभग 23 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर लॉकडाउन है, 31st of मई तक आपके लॉकडाउन बढ़ा दिया है,
उसी प्रकार राजस्थान में भी अब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में डिक्लेरेशंस हो गया है, राजस्थान स्टेट है वहां भी इसकी बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहां भी एक तरह से यही डिसीजंस लिया जाएगा 31 मई तक, राइट। मोस्ट प्रोबेबली है 31 मई तक धीरे 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 लॉकडाउन है जो ढील देंगे, यहाँ ये चीजें ओपन अप कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है जहां तक जून की डेट दी है एसबीआई ने, हो सकता है वहां पर एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जा सकता है। बट आप यह चीज सोच रहे हैं कि सर हमको तो एग्जैक्ट बता दिए, देखिए मेरा कोई एसबीआई से रिलेटेड नहीं है, मेरा कोई आईबीपीएस से कोई ऐसा नहीं है, राइट। एग्जैक्ट डेट आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एग्जैक्ट डेट भी बताते हैं, बट आप अपनी तरफ से सोचिए यह चीज माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए वहां पर, राइट। देखिए कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, मेन प्रॉब्लम मैं तो नहीं बता सकता, एसबीआई ने जो जो नोटिफिकेशंस दिया है वहां पर एग्जैक्ट कहा गया कि जून मंथ में करवाएंगे। हो सकता है केसेस पे डिपेंड करता है, अगर केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है 10 से 15 दिन आपकी पोस्टपोन कर दे, 10 से 15 दिन, ऐसा नहीं है 2 मंथ लगा दिए, नॉट एट ऑल, 10 से 15 दिन हो सकता है पोस्टपोन कर ले, राइट। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी से यही है कि चाहे कितना भी डेज आपका बढ़ाए, ये एग्जैक्ट डेट पर करवाए, देखिए मैं अगर कहूँ तो लगभग आपकी 18 से 22 जून तक आपका एग्जाम्स करवा सकता है एसपीआई, राइट, क्योंकि अभी केसेस कम देखने को मिल रहे हैं, राइट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है एसबीआई का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, राइट। हो सकता है आपके थोड़े केसेस बढ़े तो 10 दिन आपके थोड़ा डिले कर ली, 10 दिन बाद आपके एग्जाम्स करवा ली, राइट। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर 10 दिन लेट भी होगा ना तो आपके लिए ही बेनिफिट है, आपके लिए एक बोनस के रूप में काम करेगा, प्रिपरेशंस करने का थोड़ा और टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करने का थोड़ा और टाइम मिलेगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक डेट के लफड़े में मत पड़िए कि कब होगा, जब होगा आपको चैनल्स पे मेरे अपडेट मिल जाएगी, एडमिट कार्ड आएंगे तब मिल जाएंगे, आपको अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करना है। याद रखिएगा आपके पास 1 ईयर्स बाद में मिलता है, पूरा का पूरा 1 साल मिलता है, कभी कभार क्लर्क की वैकेंसीज नहीं आती एसपीआई जैसे कि, राइट, 2 सालों में एक बार वैकेंसीज निकालता है, तो ध्यान रखिए अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। कभी भी एग्जाम्स में इस डेट वाले लफड़े में कंफ्यूजन्स में मत उलझिए, राइट, अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, राइट, बाकी डेट होगी जो आपकी आ जाएगी। इसके परिप्रेक्ष्य में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा सर, क्या आप सभी मेरे से एग्री करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या 18 से 22 जून तक एग्जाम्स हो सकता है, क्योंकि मेंस में इन्होंने स्पष्ट एक डेट दे रखी है 31 जुलाई, राइट। अगर सपोज कीजिए 18 से 20 जून, 18 से 22 जून के बीच में एग्जाम्स होता है तो डेफिनेटली है 31 जुलाई तक तो आपका मेंस हो ही जाएगा। सपोज कीजिए 10 दिन लेट कर दिया, यानी कि जुलाई 1 में, 1 जुलाई, 2 जुलाई में एग्जाम्स होगा, तो डेफिनेटली आपके 31 जुलाई को आपका मेंस तो एग्जाम्स वहां पर होना ही है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यानी कि कहने का मीन्स यही है, ज्यादा दिन डिले नहीं करेगा, हो सकता है 10-15 दिन डिले कर दे, 10 दिन मोस्टली 10-15 डिले कर दे, राइट, इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकता एसपीआई, राइट। आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए, डेली पढ़ते रहिए, डेली वीडियोज अवेलेबल है चैनल्स पे वह पढ़िए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, आपका इस एक तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा यह पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि एसपीआई वाले पागल हो गए हैं जून में एग्जाम्स करवाना, राइट, क्योंकि केसेस वहां उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ओके। तो धीरे धीरे वैक्सीन्स भी लग रही है, केसेस भी कंट्रोल्स में आ रहे हैं, हो सकता है कंडक्ट करवाएं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सोचा होगा इसी के बारे में, आप यह भी समझिए, ओके। तो अपना क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वह भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है आपका कमेंट कर दीजिएगा, ओके,
मेरा कहना एक ही मीन्स है, बार बार कह रहा हूं, अपनी प्रिपरेशंस को इस उलझन में मत डालिए कि एग्जाम्स होगा नहीं होगा। आपसे अगर फॉर्म फिल करवाया है, आपसे अगर SBI ने पैसे लिए हैं, फॉर्म फीस ली है, तो डेफिनेटली एग्जाम्स होगा। इस बात का ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखें। ओके, GK पढ़िए, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो GK अभी से कवर करते चलिए, क्योंकि जिस दिन एग्जाम्स होगा ना, तो मेंस का एग्जाम्स होने में भी टाइम नहीं लगाएगा SBI, यह भी ध्यान रखना। तो GK अभी से ही प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, डाउट भी क्लियर होंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल्स को अगर नहीं किया है तो। ओके, प्रिपरेशंस के लिए बहुत सारे वीडियोज में मैथ के अपलोड करता हूँ, GK से भी अपलोड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगते हैं तो जाके देख सकते हैं राइट वीडियोज को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करना, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो दिमाग में क्वेश्चंस हैं वह क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।